વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ખાતે ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા મહારાણા પ્રતાપની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું। સાવલીમાં વીર પ્રતાપ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા વીર યોદ્ધા મહારાણા પ્રતાપની પૂર્ણ કદની પ્રતિમા બનાવવામાં આવી છે। સાવલીના પોઈચા ચોકડી પાસે ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા વિશાળ રેલી કાઢી મહાનુભાવોના હસ્તે મહારાણા પ્રતાપની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું। જ્યારે ક્ષત્રિય સમાજે પોઈચા ચોકડીને મહારાણા પ્રતાપ ચોક નામ આપવાની માંગણી કરી છે। संचल पूछ पड़ा बने शूर वीर वो टूट पड़ा महाराणा प्रताप सिंह जी की मूर्ति अनावरण नो कार्यक्रम राख्यो हतो। एमां समग्र सावली देशो तालुकाना तमाम क्षत्रियोना सहयोगथी तेमज वीर प्रताप सेवा ट्रस्ट ना संयुक्त उपक्रमे आ कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो। आमा समाजना दरेक आगेवानोने आमंत्रित कर्या हता। आ कोई पण प्रकार राजकीय कार्यक्रम ना थाय एनी पण अमे काळजी राखी हती अने तमाम समाज ना भाईओ आज मोटी संख्या में उपस्थित रहा था और विशेष तरीके मूर्ति अनावरण में शिवसिंह जी राणा ने अपने आमंत्रित कराया था। आज तेओना ज हस्ते सावली पोईचा चौकड़ी खाते महाराणा प्रताप सिंह जी मूर्ति अनावरण थयुं। मारी एवी पण अपील छे के पोईचा चौकड़ी ने हवे महाराणा प्रताप चौक तरीके जाहिर करे एवी अपील छे। आपनुं नाम? बळदेव सिंह राणा। आज सावली तहसील में जिला वडोदरा में समाज के सभी वर्गों द्वारा महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। मेरा सौभाग्य है, मैं शेर सिंह राणा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। जो महाराणा प्रताप जी हैं, देश का चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी के लिए सभी के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी मूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा देश में लगेगी तो उनकी मूर्ति से लोगों में एक देशभक्ति की जागृति होती है, प्रेरणा आती है और ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वो भी महाराणा प्रताप जी के जीवन से संबंधित उनकी मूर्तियाँ, अनेक तरह के जो चीज़ें हैं वो चीज़ आगे लगाए सरकारी खर्चे पर, जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हो। आपका नाम? मैं शेर सिंह राणा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक।